मोदी सरकार को 100 दिन हो चुके हैं। 100 दिनों का हिसाब महामानव तो नहीं दे पाएंगे, हम दे देते हैं। 26 आतंकी हमले, 21 जवान शहीद, 29 जवान घायल, 15 सिविलियन की मौत, 47 घायल, 37 रेल हादसे, 21 मौतें और 112 से अधिक लोग घायल, 150 से अधिक महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले दर्ज, करीब 60 मामले दलितों के खिलाफ अपराध दर्ज, 12 मौतें भी हुई। बिहार में दर्जनों पुल गिरे, छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा ढह गई, करोड़ों की लागत वाली सड़कें पहली बारिश में बह गईं, यहां तक कि संसद की छत के नीचे भी बाल्टी रखने की नौबत आ गई। वैसे वक्फ बिल हो या ब्रॉडकास्टिंग बिल, लेटरल एंट्री हो या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, तमाम यू टर्न लेते हुए 100 दिन पूरे किए हैं मोदी सरकार ने। खैर, एक कमाल की बात बताते हैं, ये आम 100 दिन नहीं थे, ये खास 100 दिन थे, क्योंकि विजन मेरा क्लियर है, मुझे कोई दुविधा नहीं, मेरे पास बताया है नेक्स्ट 100 डेज में, 4 जून के बाद 100 डेज में मुझे क्या काम करना है, अभी से मेरे पास क्लियर है, ये मेरा मिजाज है।